जय भोलेनाथ मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के आज के दैनिक राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आज का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही काम करती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का जो दिन है कैसा रहेगा धनुराशि वाले जातकों के लिए। दिनांक 9 नवंबर 2020 है। तिथि अष्टमी और नवमी दोनों हैं। आज नक्षत्र अश्वलेशा है, पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। दिन आज का सोमवार रहेगा। मित्रों प्रकाश डालते हैं आज के दिन के बारे में संक्षिप्त में, फिर बात करेंगे पूरे विस्तार से। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से दिन में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, परंतु संध्या को आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन जो है सामान्य से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सामान्य रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिन जो है अच्छा नहीं रहने वाला। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आइए मित्रों बात कर लेते हैं आपके दिन के बारे में पूरी विस्तार से। दोस्तों अपना मूड बदलने के लिए सामाजिक मेलजोल का सहारा लीजिए। लोगों से मिलना जुलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। शाम को कोई कर्जदार आपका पैसा वापस लौटा सकता है, जिससे आपकी कई समस्याएं दूर होंगी। दूर के रिश्तेदार से जिस संदेश की काफ़ी समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उम्मीद थी, वह अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशियों से भर देगी। प्यार का बुखार आपके सर पर चढ़ने के लिए तैयार है। आज इसका अनुभव कीजिए। कोई रोचक मैगनीज या उपन्यास पढ़ के आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। सामाजिक जो जीवन साथी हैं, जीवन साथी की वजह से आपको महसूस होगा कि उनके लिए जो दुनिया है आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं, यही महत्वपूर्ण है। छुट्टी के दिन भी दफ्तर का काम करने से बुरा और क्या हो सकता है, परंतु परेशान ना हो, क्योंकि काम करके आप अपने अनुभव को और बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों शुभ अंक जो है आपका 4 रहेगा। आज का शुभ रंग केसरिया और पीला है। बुरी दिशा पूरब है, यानी कि ईस्ट, इस साइड मत जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ज़रूरी है, जाना पड़ रहा है, तो विशेष सावधानी जरूर बरतिए। आपके लिए जो अच्छा समय यानी कि गुड टाइम सुबह के 8:26 से सुबह के 9:21 तक है। कोई भी शुभ काम करना है या किसी भी शुभ काम को लेकर घर से निकलना है तो इस अवधि में करिए, आपके लिए अधिक फलदायी रहेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला समय अर्थात इस अवधि में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, वो शुरू होगा 12:05 से और 12:59 पर समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में थोड़ी विशेष सावधानी जरूर बरतिए। तो मित्रों ये था आज का आपका राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। आज का दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।